डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों का शोधन। तो जब कोलाइडल सॉल्यूशन की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ इम्प्योरिटीज रहती हैं और वो इम्प्योरिटीज जो होती हैं क्रिस्टलॉइड और इलेक्ट्रोलाइट की होती हैं। कोलाइडी विलयन में जो है जो हमारा कोलाइडी विलयन है उसमें क्रिस्टलाब और विद्युत अपघट इसकी जो होती है वो इम्प्योरिटी अशुद्धि जो होती है उसमें उपस्थित रहती है। तो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रिक्वायर्ड है। यानी किसी भी कोलाइडी विलयन के स्थायी होने के लिए विद्युत अपघट की एक सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। पूरा का पूरा अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर हम या जो है उसकी कंप्लीट इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दें, संपूर्ण अशुद्धियों को अगर कोलाइडी विलयन से हटा दिया जाए तो भी उनका जो है कोएगुलेशन हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। तो उसके स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी के लिए स्मॉल अमाउंट में जो है इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी जरूरी होती है। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में जो है इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी, जो अगर एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी है या लार्ज क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी और इम्प्योरिटी किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये क्या करेगी, ये कोलाइडल सॉल्यूशन को जो है का कोएगुलेशन कर देगी। यानी अधिक मात्रा में अगर कोलाइडी विलयन में अशुद्धि उपस्थित है और अशुद्धि किसकी, विद्युत अपघट्य की, तो ये जो है वो कोलाइडी विलयनों का जो आपके कोलाइडी विलयन है इनका जो है स्कंदन कर देगी। तो इसीलिए इसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट और अदर इम्प्योरिटीज हैं उनको जो है रिड्यूस करने का प्रोसेस ही प्यूरिफिकेशन कहलाता है। यानी इन अशुद्धियों को हटा करके एक न्यूनतम मात्रा जो कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है, तो इन अशुद्धियों को हटाना ही जो है वो कोलाइडी विलयन का जो है वो शोधन कहलाता है। तो उसको हम लिख सकते हैं द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज
टू ए रिक्वेस्टेड मिनिमम is known as purification of colloidal solution. Yani हिंदी में इसको लिखेंगे अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। कोलाइडल सॉल्यूशन उसमें क्रिस्टलाइट और इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी होती है, ये इम्प्योरिटी जो है कोलाइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट कर सकती है और एक मिनिमम अमाउंट जो है उनके स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो प्रेजेंट होना जो है वो जरूरी है। तो वही एक्सेस अमाउंट को कोलाइडल सॉल्यूशन से निकालना ही उसका प्योरिफिकेशन कहलाता है। किसी कोलाइडी विलयन में जो है विद्युत अपघट्य और क्रिस्टलाब की अशुद्धि होती है जो उसको स्कंदित कर सकती हैं, लेकिन एक न्यूनतम मात्रा विद्युत अपघट्य की कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है वो रहनी चाहिए। तो जो न्यूनतम मात्रा से अधिक मात्रा उसमें उपस्थित है उसी को हटाने की प्रक्रिया जो है कोलाइडी विलयन का शोधन या शुद्धिकरण कहलाती है। तो इसके लिए जो है तीन मेथड हम यूज करते हैं, वन बाय वन करके जो है उसको पढ़ते हैं। उसके लिए जो है वो निम्नलिखित तीन विधियों का जो है हम प्रयोग करते हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो है शोधन के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस जो है इसका है डायलिसिस। डायलिसिस इसको हिंदी में कहते हैं अपोहन।
तो अब इसमें जो है सबसे पहले देखिए डायलिसिस, डायलिसिस या इसी को अपोहन, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये जो बेस्ड है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इम्प्योरिटीज एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स, इस पर ये बेस्ड है। तो इसमें जो है रेट ऑफ जो इस मेथड है वो इसका जो सिद्धांत है वो इस पर आधारित है कि इसमें जो कोलाइडी कण यानी सॉल के कण और अशुद्धि के कण हैं उनके जो है विसरण की दर भिन्न भिन्न होती है। विसरण की दर किससे, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन अपोहक झिल्ली से। ये जो अपोहक झिल्ली होती है वो आपके पार्चमेंट पत्र या सेलोफेन शीट जो होता है या एनिमल ब्लैडर जो होता है यानी जंतु झिल्ली होती है, इसके रूप में जो है हम ये यूज़ करते हैं, तो यही डायलाइजिंग मेम्ब्रेन कहलाता है। और जो एपरेटस यूज होता है वो डायलाइजर या अपोहक कहलाता है, इसके लिए जो यूज़ किया जाता है। तो ये जो है ये किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन फैक्ट दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल पार्टिकल इज स्लो देन क्रिस्टलॉइड, यानी यह जो है क्रिस्टलॉइड थ्रू थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी ये इस तथ्य पर आधारित है कि सॉल के कण तथा क्रिस्टलाब की झिल्ली से विसरण की दर भिन्न भिन्न होती है। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल पार्टिकल एंड क्रिस्टलॉइड आर डिफरेंट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन। जनरली सॉल पार्टिकल्स डिफ्यूजेस वेरी स्लोली वेयर एज क्रिस्टलॉइड पार्टिकल डिफ्यूजेस रैपिडली। ये इस तथ्य पर आधारित है कि सॉल के कण और क्रिस्टलाब की जो होती है वो अपोहक झिल्ली से विसरण की दर भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः जो है सॉल के कण या कोलाइडी कण बहुत मंद गति से विसरित होते हैं, जबकि जो क्रिस्टलाब के कण होते हैं वो बहुत तेजी से विसरित होते हैं। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन के डिफरेंस पर जो है ये बेस्ड है, इम्प्योरिटीज पार्ट के पार्टिकल और
सॉल्ट पार्टिकल। तो इसमें अब इसका जो प्रोसीजर, इसका जो है बेस जो है इसका प्रोसीजर समझ लीजिए, डायग्राम जो है आपका सामने बना हुआ है। तो इसमें जो है हम एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन लेते हैं। तो ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, या एनिमल मेम्ब्रेन यानी जिसको आप ब्लैडर कहते हैं, या पार्चमेंट पेपर हो सकता है, या जो है सेलोफेन, सेलोफेन शीट, ये सब जो है आपके डायलाइजिंग मेम्ब्रेन की तरह जो है ये यूज किए जाते हैं। यानी ये जो अपोहक झिल्ली है इसमें जो है जंतु झिल्ली, ब्लैडर या इसमें जो है पार्चमेंट पत्र या सेलोफेन शीट इसका जो है हम डायलाइजिंग मेम्ब्रेन अपोहक झिल्ली के रूप में प्रयोग करते हैं। तो एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन में जो है हम कोलाइडल इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को रख देते हैं, एक अपोहक झिल्ली में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भर देते हैं, और इसको जो है रनिंग वाटर यानी बहते हुए जल के प्रवाह में रखते हैं। तो इसमें जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में जो फाइन होल्स होते हैं, इन फाइन होल्स से जो आपके इम्प्योरिटीज क्रिस्टलाइट पार्टिकल हैं ये तेजी से बाहर आ जाएंगे, जबकि सॉल्ट पार्टिकल जो हैं वो इसी सॉल्यूशन में रह जाएंगे। जब इसको जो है हम रनिंग वाटर में रखते हैं, इसको सस्पेंड करते हैं, यानी जो कोलाइडल सॉल्यूशन है डायलाइजिंग मेम्ब्रेन में भर करके जो है इसको हम लटका देते हैं, सस्पेंडेड इन ए वेसल इन विच फ्रेश वाटर इज कॉन्टिन्यूसली फ्लोइंग, एक अपोहक झिल्ली में भर करके एक पात्र में जो है इस तरह से लटकाते हैं कि उसमें से फ्रेश वाटर जो है लगातार बहता रहे, यानी बहते हुए जल के प्रवाह में लटका देते हैं। तो इसमें क्रिस्टलॉइड और सॉल्ट पार्टिकल इसके इस मेम्ब्रेन से रेट ऑफ डिफ्यूजन में डिफरेंस के कारण जो है क्रिस्टलॉइड पार्टिकल तेजी से डिफ्यूज होते हैं और इस जो है फ्लोइंग वाटर बहते हुए जल के साथ बाहर निकल जाते हैं और इस मेम्ब्रेन में प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन बचा रह जाता है। यानी इसमें एक अपोहक झिल्ली में कोलाइडी विलयन को भर करके बहते हुए जल में, ताजे बहते हुए जल के प्रवाह में लटका देते हैं। तो इस अपोहक झिल्ली के छिद्रों से क्रिस्टलाब पार्टिकल जो है, क्रिस्टलाब के कण तेजी से विसरित होते हैं जबकि कोलाइडी कण नहीं। तो कोलाइडल पार्टिकल इसी अपोहक झिल्ली में रह जाते हैं और इम्प्योरिटी जो है वो इस बहते हुए पानी के साथ बाहर निकल जाती है और इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हमारा वो प्योरीफाई हो जाता है, या उसमें इम्प्योरिटीज़ की अमाउंट जो होती है वो जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतना हम घटा ले जाते हैं। यानी जितनी हमें इम्प्योरिटी चाहिए कोलाइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी के लिए उतनी ही रहती है, रिमेनिंग इम्प्योरिटीज होती हैं वो निकल जाती हैं।
सेकेंड मेथड है इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस। विद्युत अपोहन। तो ये जो डायलिसिस की प्रोसेस है ये जो है बहुत स्लो होती है और इसमें क्रिस्टलाइट की इम्प्योरिटी तो निकल जाती है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की पूरी इम्प्योरिटी नहीं निकल पाती। तो इसी डायलिसिस के प्रोसेस को, इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी को निकालने के लिए, जब हम इसमें इलेक्ट्रोड लगा करके, दो इलेक्ट्रोड जो है वो हम लगा करके और जब ये प्रोसेस करते हैं तो यही प्रोसेस जो होता है वो इलेक्ट्रोडायलिसिस कहलाता है। यानी जब हम अपोहन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए अपोहन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए जब हम इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हैं तो इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। तो ऑर्डिनरी डायलिसिस प्रोसेस जो होता है, ऑर्डिनरी डायलिसिस प्रोसेस इज क्वाइट स्लो। जो सामान्य जो है अपोहन की विधि है वो बहुत मंद होती है। तो इसको तीव्र करने के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र लगा करके जो है इसकी प्रॉपर्टी को जो है फास्ट करते हैं और इसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो ये इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की जो इम्प्योरिटी होती है उसको तेज़ी से रिमूव करता है। जो कैटायन होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और एनायन जो होते हैं वो एनोड की तरफ रैपिडली मूव करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी तेज़ी से निकल जाएगी। इसमें सारा प्रोसेस बिल्कुल डायलिसिस की तरह है, सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ जो है इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट की विद्युत अपघटकी अशुद्धियों को जो है तेज़ी से हटाता है, विद्युत अपघटकी अशुद्धियों का को जो है वो निष्कासन तेज़ी से करता है। तीसरा जो इसका प्रोसेस है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हिंदी में इसको कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो ये प्रोसेस यूज होता है फॉर सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय especially prepared filters या filter papers।
विच आर परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी अति सूक्ष्म निस्यंदन जो है वह प्रक्रम है जिसमें विशेष रूप से निर्मित फिल्टर पेपर द्वारा या विशेष रूप से निर्मित फिल्टर द्वारा कोलाइडी कणों के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों के लिए जो है ये फिल्टर पेपर जो होता है वो पारगम्य होता है, यानी अन्य सभी पदार्थ जो है वो इस फिल्टर पेपर से निकल जाएंगे कोलाइडी कणों को छोड़कर होता है। तो ये इससे जो है कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलायक और जितने भी सॉल्युबल घुलनशील अन्य विलेय होते हैं उनको पृथक किया जाता है। तो ये होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स विच आर परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट द कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी ये जो मेथड है ये यूज होता है यह वह प्रक्रम है जिसमें विशेष रूप से निर्मित छन्नक यानी फिल्टर द्वारा जो कि कोलाइडी कणों के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होता है। कोलाइडी विलयन में
उपस्थित विलायकों एवं घुलनशील विलेयों को पृथक किया जाता है। यानी ये ऐसा प्रक्रम है जो विशेष रूप से निर्मित फिल्टर पेपर से होता है, जो कोलाइडी कणों के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों को अपने में से जाने देता है, और इस तरह से कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलायकों और जितने भी अन्य घुलनशील विलेय उपस्थित हैं इनसे हम कोलाइडी कणों को पृथक कर लेते हैं। तो अब इसको जो है बनाने के लिए जो है जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, जो साधारण जो छन्नक होते हैं या फिल्टर पेपर होते हैं उनके जो छिद्र होते हैं, पोर साइज होते हैं, वो बड़े होते हैं, वो और इतने बड़े होते हैं कि उससे कोलाइडल पार्टिकल जो है वो निकल जाते हैं। तो उनको स्पेशल मेथड से जो है हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर में या अति सूक्ष्म छन्नक में परिवर्तित कर लेते हैं और इस कोलाइडल सॉल्यूशन को उससे हम फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर पेपर पर जो है कोलाइडल पार्टिकल रह जाएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज उस फिल्टर पेपर से निकल जाएंगी। इन कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करके फिर सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में ऐड कर देते हैं और उस सब्सटेंस का प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। इसमें कोलाइडी विलयन को जो है, जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो साधारण जो फिल्टर पेपर है उसके छिद्रों से निकल जाते हैं। तो साधारण फिल्टर पेपर के छिद्रों को हम विशेष विधियों से सूक्ष्म फिल्टर पेपर, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर में बदलते हैं और उसके बाद कोलाइडी विलयन को उससे छानते हैं, फिल्टर करते हैं। तो कोलाइडी कण जो है वो फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं और उसमें जो विलायक यानी माध्यम होगा, परिक्षेपण माध्यम, और जितने भी घुलनशील अशुद्धियां हैं वो फिल्टर पेपर से निकल जाएंगी। इस कोलाइडी कण को फिर उचित परिक्षेपण माध्यम में मिला करके हम शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसके प्रोसेस होगी। अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाए कैसे जाते हैं इसको जान लीजिए, या अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता क्या है, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर क्या है। तो इसमें जो इसके पोर्स होते हैं, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होते हैं, तो उनके पोर्स को पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड इन साइज by impregnating with collodion solution to stop the
फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स तो इसमें जो आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है तो उनके जो पोर्स या रंध्र होते हैं उनको जो है फिल्टर पेपर का मतलब यहाँ पर साधारण फिल्टर पेपर से है, फिल्टर पेपर के रंध्र को कम करने के लिए इन्हें कम करने के लिए इन्हें कोलोडियन विलयन में संसेचित का मतलब होता है कि डुबोकर या उसमें मिलाकर संसेचित कर किया जाता है जिससे कि कोलाइडी कण इनसे ना निकल सके। तो इसको ये कैसे बनाया जाता है, कोलोडियन होता क्या है? तो ये वास्तव में जो है, जो कोलोडियन है ये 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर होता है। और तो इसमें जो है, जो ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होते हैं उनको साधारण फिल्टर पेपर को जो है ये 4% नाइट्रो सेलुलोज का 4% नाइट्रोसेलुलोज का एल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में बना विलयन ही जो है आपका कोलोडियन होता है। तो इसमें ये कोलोडियन सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो जो
ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, साधारण फिल्टर पेपर होता है, उसको इस कोलोडियन सॉल्यूशन में जो है वो इसको भिगा देते हैं और भिगोकर जो है फॉर्मल्डिहाइड में इसको हार्ड करते हैं, तो जिसके कारण जो होता है उसकी पोर साइज, उसके रंध्र का आकार बहुत घट जाता है और इतना घट जाता है कि वो कोलाइडल पार्टिकल को अपने से नहीं गुजरने देगा। तो इसमें जो है जो आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसको हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर में जो है कन्वर्ट करते हैं बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर इन 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशंस मिक्सचर मेड इन अल्कोहल एंड ईथर एंड बाय एंड हार्डनिंग बाय फॉर्मल्डिहाइड एंड देन फाइनली ड्राइंग इट। तो इसमें जो है इसमें जो है इसको भिगोकर यानी सोक करके जो है और उसके बाद जो होगा इसको जो है हार्ड करेंगे हार्डनिंग बाई फॉर्मल्डिहाइड एंड देन ड्राई करेंगे एंड देन बाय ड्राइंग यानी उसके बाद सुखा करके। तो इसमें साधारण फिल्टर पेपर को इस कोलोडियन विलयन में जो है भिगो लेते हैं और भिगो करके जो है इसको फॉर्मल्डिहाइड में जो है इसको हार्ड कर लेते हैं यानी कठोर बनाकर और उसके बाद और फिर सुखाकर जो है हम ये फिल्टर पेपर बनाते हैं। और इस फिल्टर पेपर से जब इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे कोलाइडल पार्टिकल उसे फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे, बाकी आपका सॉल्वेंट यानी डिस्पर्जन मीडियम और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज उससे पास हो जाएंगी। तो उस कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करके फिर से हम सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में उसको मिक्स कर देंगे और प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। अशुद्ध कोलाइडी विलयन को कोलोडियन में जो है से जब अल्ट्रा फिल्टर पेपर से जब हम छानते हैं तो कोलाइडी कण जो है उसे फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे और विलायक यानी परिक्षेपण माध्यम और जो घुलनशील अशुद्धियाँ हैं वो उस फिल्टर पेपर से निकल जाएंगी। तो उन कोलाइडी कणों को पृथक करके पुनः उचित परिक्षेपण माध्यम में मिला करके शुद्ध कोलाइडी विलयन हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए जो हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाएंगे वो 4% नाइट्रोसेलुलोज को जो है अल्कोहल और ईथर के मिश्रण में जो है भिगोकर फॉर्मल्डिहाइड द्वारा कठोर कर और फिर सुखा कर बनाते हैं। जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है वो कैसे बनता है, 4% नाइट्रोसेलुलोज को जो है अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में सोक करके और हार्डनिंग बाय फॉर्मल्डिहाइड एंड देन बाय ड्राइंग इट इज प्रिपेयर्ड। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।